राहुल गांधी एक बार फिर तो यात्रा शुरू करन जा रहे ने। कल जो है एक रैली के दरमियान इसका ऐलान किया जाएगा तो आर्थिक समाजिक ते न्याय दे लई यात्रा की जाएगी जिसका नाम भी भारत न्याय यात्रा रखा गया। हालांकि इस तो पहला राहुल गांधी के वलों जो यात्रा की गई सी उसनू नाम दिता गया सी भारत जोड़ो यात्रा। तो एक बार फिर तो राहुल गांधी के वलों इसकी शुरुआत की जाएगी। तो इस बार इस यात्रा का नाम दिता गया भारत न्याय यात्रा। तो तकरीबन 14 सूबियां दे विच 6200 किलोमीटर तय करेगी ये यात्रा। मणिपुर तो लैके मुंबई तक ये यात्रा की जाएगी। तो यह यात्रा का आगाज़ 14 जनवरी नू होवेगा अते 20 मार्च नू इसकी समाप्ति होएगी। इस तो पहला 7 सितंबर 2022 नू तमिलनाडु के कन्याकुमारी तो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई सी अते जड़ी की 30 जनवरी नू कश्मीर के श्रीनगर विखे मुकम्मल हुई सी। तो इस यात्रा के दरमियान राहुल गांधी के वलों तकरीबन 3750 किलोमीटर पैदल तुरद्या यात्रा की गई सी। तो हुण एक बार फिर तो लोकसभा चोणां तो पहला एक कांग्रेस का वड्डा ऐलान कह सकते हैं दोबारा तो यात्रा शुरू की जा रही है। इस यात्रा का नाम दिता गया है भारत न्याय यात्रा क्योंकि यह यात्रा आर्थिक समाजिक अते न्याय दे लई यात्रा की जा रही है। तो कल जिथे कांग्रेस का स्थापना दिवस है उस मौके के उत्ते एक वड्डी रैली का आयोजन किया गया। उस रैली नू नाम भी दिता गया है तैयार हम। इस तरह जो है रैली नू नाम दिता गया जिड़ी कि नागपुर विखे की जानी है। तो इस रैली दे विच वड्डे पद्धर ते तमाम कांग्रेसी लीडर जिहड़े है हिस्सा लैणगे। हालांकि इस तो पहला जो भारत जोड़ो यात्रा की गई सी तो उस यात्रा नू लैके जिथे विरोधियों के वलों बहुत सारे सवाल चुके गए सन ते उन्हां तमाम सवालों के जवाब राहुल गांधी के वलों सिर्फ ये कह के दिते गए सन कि यह गैर सियासी यात्रा है इसनू सियासत दे नाल ना जोड़िया जाए। तो एक बार फिर तो राहुल गांधी ही इस यात्रा का आगाज़ करनगे जिसका नाम है भारत न्याय यात्रा। 14 सूबियां दे विच 6200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी ये यात्रा। 14 जनवरी नू शुरू की जाएगी। तो कल जिते कांग्रेस का स्थापना दिवस है उस मौके दे उत्ते नागपुर दे विच एक वड्डी रैली का आयोजन किया गया। तो उस रैली नू नाम दिता गया है तैयार हम। उस यात्रा जो रैली है इस दे रैली दे विच यात्रा दे बारे जो है तमाम जानकारी आला अधिकारियों के वलों जो है सांझी की जाएगी समुची लीडरशिप के वलों। तो इस रैली दे विच कांग्रेसी आगुआ नू वड्डे पद्धर ते शमूलियत करन दी गल कही गई है। तो जिथे एक पासे भारत जोड़ो यात्रा नू लोकां दे वलों बहुत प्यार दिता गया सी तो उस दे मद्देनज़र ही यह नवी यात्रा राहुल गांधी की अगवाई दे विच शुरू की जा रही है मुंबई तो जिहड़ी कि मुंबई विखे पहुँचेगी। मणिपुर तो इसकी शुरुआत होगी। तो यात्रा का इस वारी नाम दिता गया है भारत न्याय यात्रा। हमारी स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है कांग्रेस पार्टी का और नागपुर में है तैयार हम एक महारैली का आयोजन किया गया है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी राज्यों के नेता कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे भारी मात्रा में। कल शंखनाद होगा हमारी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हो रही हैं। इस समय मुंबई वी हैव डन राहुल गांधी लड़े यात्रा फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर ट्रैवलिंग 4500 किलोमीटर्स। That was a historic yatra in Indian political history. Now, Rahul Gandhi is doing a yatra with the great experience from the first Bharat Jodo yatra. Certainly this yatra is going to interact with the
यूथ ऑफ दिस कंट्री, विमेन ऑफ दिस कंट्री और मार्जिनलाइज्ड पीपल एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ द पीपल. दिस यात्रा विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6,200 किलोमीटर्स. 6,200 किलोमीटर्स and it traverses the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat and finally Maharashtra. Basically 14 states, this yatra is covering 14 states and 85 districts. Basically mode of yatra is a bus yatra. Bus yatra allow maximum access to the people on the way, but it will also have a short stretches of walking. Every now and then, this important announcement we are doing today.